बता रहे ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर, पहली बार रेड जोन में नोएडा है। कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहद ही खराब है। तो बता दें कि नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 के पार है। ग्रेटर नोएडा का AQI लेवल 354 दर्ज किया गया है। तो CQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 लागू किया है। बताया गया कि पहली बार रेड जोन में नोएडा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब लोगों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए धुंध किस कदर देखने को मिल रही है इसी समय, क्योंकि अक्टूबर का ये महीना चल रहा है। आज महज तारीख 23 तारीख, और देखिए किस तरीके से यहां पर धुंध देखने को मिल रही है। ये धुंध फॉग प्रदूषण की वजह से बताया जा रहा है और लगातार AQI में भी इजाफा दर्ज किया गया है। तो CQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स को लेकर भी बात कही है। जहरीली अब दिल्ली NCR की आबो हवा हुई है। तो ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं हड़कंप भी देखा गया है। इसको सुधारने के लिए जगह जगह पर छिड़काव भी पानी का किया जा रहा है। तो कई इलाकों में जो स्थिति है और अधिक बढ़ती जा रही है। तो प्रदूषण का मीटर देखिए दिल्ली NCR का हाल किस तरीके से है। दिल्ली की स्थिति की बात करें तो 313, वहीं गाजियाबाद में 245, और साथ ही साथ नोएडा की बात करें तो 304 यहां पर जो AQI है वो दर्ज किया गया है। तो देखिए किस तरीके से नोएडा में भी इजाफा हुआ है। रेड जोन में दिल्ली और नोएडा दोनों ही सामने आए हैं। बहरहाल गाजियाबाद की स्थिति थोड़ी बेहतर, 245-46 के पास AQI दर्ज किया गया है। तो देखिए किस तरीके से प्रदूषण का मीटर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR का हाल किस तरीके से अब बेकार होता जा रहा है और ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। तो आबो हवा किस तरीके से जहरीली हो रही है। दिल्ली NCR में जो सांस लेने के जो मरीज है, कहीं ना कहीं सांस की समस्याएं जिन्हें है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में यह भी देखा गया क्योंकि मॉर्निंग वॉक्स पे भी कई लोग निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, इस दौरान धुंध का सामना करना पड़ा। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा, देखिए किस तरीके से कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहद ही खराब हुई है। AQI क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली की बात करें या नोएडा की बात करें तो AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और नोएडा दोनों ही जो है रेड जोन में फिलहाल डाले गए हैं। और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो देश का सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त ग्रेटर नोएडा है, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं अब खासा ख्याल रखा जा रहा है। AQI लेवल 354 दर्ज किया गया है, बेहद ही खराब श्रेणी में डाला गया है। कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो गई है। जहरीली दिल्ली NCR की आबो हवा हुई है। तो इसी खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता करण बढ़ाना हमारे साथ लाइव जुड़ गया। करण, देखिए दिल्ली NCR की आबो हवा बेहद ही खराब श्रेणी में, रेड जोन में डाला गया है नोएडा को। और ऐसे में अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रदूषित अभी शहर ग्रेटर नोएडा माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि बरती जा रही है? बिल्कुल, इस समय हम NH-91 पर हैं, हाईवे पर, जहां लगातार जो पॉल्यूशन है वो साफ देखा जा सकता है। अगर सावधानी की बात करें, जो वाहन चालक हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो सावधानी तो बरत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन स्तर है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। ये हाईवे की तस्वीर है जो कनेक्ट करता है इस पेरिफेरल हाईवे यमुना एक्सप्रेस वे। लगातार इसके जो वाहन है रफ्तार जो लगातार रफ्तार भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अभी फिलहाल जो विभाग है, पॉल्यूशन विभाग और जो प्रशासन है, उसने अलर्ट जारी किया है, रेड जोन ग्रेटर नोएडा जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पॉल्यूशन पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना भी लगा रहे हैं, और जो आला अधिकारी हैं लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्रावली है उसको जलाने पर भी रोक लगाई गई है। जो पॉल्यूशन विभाग डिपार्टमेंट है वो भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, ट्रैफिक विभाग भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पॉल्यूशन पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। लोगों में सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है, क्योंकि मास्क लगाकर मॉर्निंग वॉक पर लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो पॉल्यूशन विभाग के आला अधिकारी वो सभी से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रेटर नोएडा रेड जोन में आ गया है और पूरी तरीके से अपने पॉल्यूशन के जाल में लोगों को जमा लिया है। और लोगों से निश्चित तौर पर तरुण, और आपके पीछे भी मैं तस्वीर देख पा रही, धुंध की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तरुण। देखिए किस तरीके से जहरीली अब दिल्ली NCR की आबो हवा हुई है और बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में नोएडा को डाला गया है। ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त।